इस बाजी की प्राइस कितनी है? 300 रुपए। इसका रेट है अब 400। इसका फंक्शन क्या है? बाजे की कीमत कितनी थी? 400 रुपए। और ये पौधा भाई कितने का है? 100 रुपए का ये पौधा है। और अगर ये पौधा बड़ा हो जाता है तो ये हमें बेनिफिट देगा। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आगे 14 अगस्त आने वाली है तो यहाँ पे काफ़ी बाजे झंडियाँ वगैरह भी हैं। बट जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस बाजे की कीमत भी मालूम कर लेते हैं कि कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है बाजा, देखें इसकी कीमत जो बता रहे हैं, अभी इनसे पूछ भी लेते हैं। और ये झंडे वगैरह और माशाल्लाह बैज वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे, देखें ये सारे। तो आप आगे इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो ये भाई से इसकी प्राइस भी पूछ लेते हैं कि कितनी है, जो क्योंकि ये 14 अगस्त वाले दिन सबसे ज़्यादा जो है ना ये चीज़ बिकती है, जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको यही बताया गया कि 14 अगस्त वाले दिन ना आप लोगों ने यही इसको बजाना है, और फिर 14 अगस्त सेलिब्रेट तब होगी जब आपके पास बाजा होगा। इस बाजे की प्राइस कितनी है? 300 रुपये। अच्छा, ये आपके पास कितने आपके पास आए हैं ये बाजे जो आप परचेज करके आए हैं? टोटल 300 लेकर आए हैं आप, मतलब? और ये 300 के 300 बिक जाते हैं? अच्छा अच्छा, वैसे इसका फायदा क्या है? फायदा है कोई इसका? हाँ, थैंक यू सो मच यार, बस ये एनालिसिस करना थोड़ा सा। तो आगे आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे भी इन्होंने ये लगाए हुए हैं, ये देखें। बाजे आपको हर जगह बाजा मिलेगा, और ये चीज़ें, ये शर्ट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। और ये देखें, बाजा आपको हर शॉप पे मिलेगा, जिस शॉप पे भी आप जाएंगे वहाँ पे बाजा तो अवेलेबल ही होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस हद तक एक चीज़ का अडिक्टेड बना दिया है कि उसके बगैर उनकी 14 का सेलिब्रेट नहीं होगी बकौल उनके। बट जो चीज़ मैं चाहता हूँ, अब ये देखें बाजे की प्राइस कितनी है, ये देखना। यहाँ पे भी ये देखें, ये बाजे लगे हुए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे देखें, ये सही सामने फ्रंट लाइन पे बाजा बिल्कुल फ्रंट पे है। और इतना आपको अभी फ्लैग भी नहीं पता चलेगा, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। तो अब जैसे इनसे भी रेट पता कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा बाजा है, इसका क्या रेट है? आप हैं? हाँ, इसका रेट है अब 400। इसका फंक्शन क्या है? इसका यही फंक्शन है, और 14 अगस्त वाले दिन सब ने बस इसी को पकड़ा होना है, और यहाँ पे 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही होनी है। ये आपको फ्रंट लाइन पे भी ये भी दिखाऊं, तो यहाँ पे 400, 500, 200 इस साइज़ के ही वो आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, अब क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना इसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि यार यहाँ पे यही सीन ही चलना है, कि आपने बाजे बजाने और मुल्क की तरक्की के लिए ना सिर्फ, और हमारा बज भी बाजा ही रहा है। बात तो सही है, क्योंकि और तो कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, जितनी भी हमने देखा है। यहाँ पे भी एक स्टॉल है, ये देख लें, ये फ्लैग वगैरह लगाए हुए हैं, और जो हमारी कौम की प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक लोग भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं कि जब आप साथ साथ अपने मुल्क के बारे में भी सोच रहे हो, यहाँ पे जबकि हीट गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो अगर 400 का बाजा एक बंदा ले रहा है, अगर वो 400 के प्लांट्स लेगा तो वो तकरीबन 4 आ जाएंगे, और उससे बेनिफिट क्या होगा कि वेदर कंडीशन कंट्रोल हो जाएगी। ये देखें, ये 14 अगस्त वाले सारा दिन यही काम होना है। A few moments later, मैं नर्सरी पहुंच गया हूं, और डेली की तरह यहां से 4 पौधे परचेज करता हूं, और वो जाके हमने लगाना होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा। तो अभी भाई को देखते हैं किधर हैं, वो इसी साइड पे ही आए हुए हैं। बच्चा अभी बता रहा था जो यहाँ पे दूसरा काम कर रहे होते हैं, आई थिंक ये कुछ काम में लगे हुए हैं, ये टनल में। ये बच्चा कह रहा था कि यहाँ पे हम जामुन लगा रहे हैं, क्योंकि जामुन के पौधे उधर भी पड़े हुए थे। तो ये थे आई थिंक न्यू नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। ये कौन से पौधे लगे हुए हैं? ये समझने के। अच्छा, ये कौन सा है? कचनार है। अच्छा, ये क्या लगा रहे हैं अब? ये कचनार है। अच्छा, सही सही सही, जामुन लगा रहे हैं वो कह रहा था बच्चा। जामुन लगा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये पौधे वही उठा दें? हाँ हाँ, 4 पौधे उठा दें, और शॉपर में भी डाल दें, शॉपर है कोई तो।
माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे मेहनत हो रही है और पौधे न्यू लगाते रहते हैं ये, और इन्हीं से तो इन्हीं की बचत होती है। यार जामुन का पौधा कितने का दे रहे हो? अच्छा, तो क्यों ना आज एक फलदार पौधा ना ले जाएं, क्या सही ना यार। यार ऐसे करो, दो जामुन के दे दो आप, दो जामुन के पौधे दे दो, दो ये दे दो, दो फलदार दरख्त लगा लेते हैं और दो ये वाले, दो जामुन अपनी साइड पे लगा लेते हैं, वो टूवेल के पास ना, वो जगह सही है। और ये देखते हैं अभी इनसे एक और चीज़ जो मैं आज आपको बता रहा था ना कि बाजा आ रहा है 400 रुपये का, और यहाँ पे पौधा होता है मैक्सिमम 100 रुपये का। तो प्लांट्स लगाएं ताकि अपने मुल्क की खातिर यार कुछ करें। ये बाजे लेके 4-5-5-6-6 सौ के ये ज़ाया हो जाने हैं। जैसे हम शॉपकीपर के पास आज अभी गए हैं तो वो बता रहा था कि एक बाजा 300 का और मैं 300 बाजे लेके आया हूँ, मतलब कि वो 3 लाख के लेके आया और 3 लाख के इन्हीं लोगों ने परचेज करने हैं। तो ये जामुन के पौधे लगे हुए हैं इस साइड पे, ये बड़े हैं या छोटे वाले हैं? हाँ, ये सही है यार, ये भी अच्छे हैं, ये भी सही होके आ जाएं। चलो अभी बेस्ट हो गया यार, आज हमने दो पौधे और करवाए हैं जामुन, क्योंकि ये फलदार दरख्त है और ये अगर किसी घर में भी लगाएंगे ना तो वो भी इसकी केयर करता रहेगा कि ताकि मैंने जामुन खाने भी हैं बाद में। तो लेट्स सी, इधर चलते हैं। मैं तो कहता हूँ एक जामुन का पौधा अपने घर में भी लगा लेते हैं, क्या ख्याल है? ये भी अगर हो जाता है तो उसका भी फ़ायदा है यार, जामुन खुद के होंगे वो खाएंगे हम। चलो एक पौधा उस पर लगाते हैं और बाकी एक आगे लेके जाते हैं हम। ये भी आई थिंक जामुन के पौधे ही मुझे लग रहे हैं। तो यार पैसे निकाल लें जो कि अभी भाई को देने हैं हमें। से पूछते हैं ये कि ये पौधे की कीमत कितनी है, और मैं अभी आपको बता रहा था ना कि बाजे की कीमत कितनी थी 400 रुपये, और ये पौधा भाई कितने का है? 100 रुपये का ये पौधा है। और अगर ये पौधा बड़ा हो जाता है तो ये हमें बेनिफिट देगा, जबकि बाजा टूट जाना है उससे बेनिफिट कोई नहीं होना, और 14 अगस्त वाले दिन भी शोर होना है, जबकि इस प्लांट ने पूरा साल आपको ऑक्सीजन देनी है, बेनिफिट देना है, फल देना है। ये जामुन का दरख्त है, ये फल भी देगा, और नीम का पौधा है तो वो ठंडक भी देगा, तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ है बेसिकली जो डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था कि बाजे मत लें, प्लांट्स लेकर लगाएं। टॉपर में डाल दिए भाई ने, तो ये ले लें पैसे, ठीक है? ओके, ये आगे लटक गए हैं, अब जाके किसी जगह पे हम लगाते हैं, जाके देखते हैं, और जो सही जगह हो जहाँ पे सही ग्रो भी करें प्लांट और केयर करने वाले लोग भी हों। दो पौधे हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये हम यहाँ पे एक लगा लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी मिलता रहेगा और यहाँ पे मज़दूर आके जैसे बैठते हैं यहाँ पे ना, ये चिमनी वगैरह साथ है, तो यहाँ पे एक बेटर जगह है। यार कसी तो ले आना, हाँ, और तबीयत ये ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। तो भाई ने कहा है कि आप भी यहाँ पे भी लगा दें, तो यहाँ पे एक तो केयर होती रहेगी, पानी यहाँ पे साथ ना लगता रहेगा, तो पौधे यहाँ पे जलेंगे नहीं और इंशाल्लाह बेनिफिट देंगे ये इंशाल्लाह। और क्योंकि पाकिस्तान में ना गर्मी बढ़ रही है, तो इस वजह से हमने ये कम्पेन स्टार्ट की हुई है, चाहते हैं कि 14 अगस्त तक ना जो लोग बंदा व्लॉग देख रहा है ये देख रहा है कि एक ना एक पौधा ज़रूर लगाए इंशाल्लाह, इससे मुल्क का ना फ़ायदा होना है। तो बस इस सिलसिले में मैं रोज़ के 4 पौधे लेता हूँ और कहीं ना कहीं लगा के आ जाता हूँ। एरिया का ना 40, 38, 35 इस साल गया है 50 तक। अच्छा, और नेक्स्ट ईयर जो चांसेस है ना बढ़ेगा, मतलब है हाँ बढ़ेगा, कम हो रहे हैं हाँ, आप मिलियन बिलियन ट्री लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रोजेक्ट चल रहा है वाला जो है ना, बिल्कुल वो बंदा, तो आप उन्होंने ना उस बंदे को तो जाया कर रहे हैं ना पाकिस्तानी, वरना उस बंदे ने बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद किसी ने
पाँच साल हो गए हैं, कोई और इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया। हमें भी ले आ वीडियो में। अरे ले के सबको ले आ, सबको ये व्लॉग बन रहा है। कैसे बात करें, ये नजीर ड्राइवर खड़ा है, ये शहबाज बब्बर कोटा दू से आए हुए हैं, ये नवाब खान तला गंग वाले हैं, ये गुलाब खान पुल 214 से आए हुए हैं। ये सारे लोग बाहर के हैं, ऐसे नहीं, ये सारे बाहर के हैं। हाँ, पर देसी ढोले हैं सारे। जी क्या करूँ, ये नरम नीचे मट्टी नरम की है। मैं ठीक है, लेटो पक्का जो है पक्का है। तेरे मशीन नवाब खान आप दो मिनट चुप कर जाए, मेहरबानी करें। हाँ नवाब खान बस ठीक है ना भाई। यहाँ पे पेन लिया जा रहा है कि वाकई यार हमने पौधे लगाने हैं, ये लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने इसी तरह से बचाना है। जी हाँ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है ना, ये देखें अभी भी पसीना आया सबको। ऐसे ही ये टेम्परेचर का वही हाल है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है काफी तो तब ये सीन होता है। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम किया यार, वहाँ से जो मट्टी लेके आ रहे हैं ना, ये वाली मट्टी बड़ी ताकतवर रहती है और ये इसको सपोर्ट भी करेगी पौधे को अच्छा होने में। ये स्पेशल मट्टी हम लेके आए हैं, एक बर्तन लियो यार, कोई है पानी दे, पानी पानी मेरा पुत्र, बाल्टी बाल्टी लिया, बाल्टी बाल्टी लिया, बाल्टी इसको इनको ना पानी दे देते हैं एक एक। हाँ सेट हो जाएंगे ये, बहुत जल्दी जोर लगाते हैं। सामने जो नीम का पौधा लगा उसकी तकरीबन डेढ़ साल उम्र है। हाँ, बिल्कुल देखना ये एक एक साल है, एक साल में इतना बड़ा हो गया। काफी जज्बा है भाई के अंदर, काफी जज्बा है और पेन रखते हैं पाकिस्तान के लिए कि हाँ यार ये मुहिब्बुल वतनी, मुहिब्बुल वतनी है, ये मुहिब्बुल वतनी है कि एक पौधे के लिए पानी देना डेली का। जी डेली आपने थोड़ा थोड़ा इसको पानी डालते रहना है। और है। 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 आप ये सारे भाई हैं माशाल्लाह और ये यहाँ पर काम करते हैं, ये सारे बाहर के। जी जी पहुंचे पानी छाने कर पानी देती पहुंचे। जी जी पानी मैं वही इस वजह से उस जगह मैं लगा रहा हूँ कि जहाँ पे लोग ना पानी देने वाले हों, ये थोड़ा बहुत पानी डाल दें डेली का तो पौधा मरेगा नहीं। थैंक यू सो मच, बस इन पौधों का आपने ख्याल करना है, आपने भी ख्याल करना है, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज माशाल्लाह। ओके भाई अल्लाह हाफिज, ओके ओके अल्लाह हाफिज। ये कोई पश्तो में कोई गाली तो नहीं दे रहा। नहीं, उसकी उड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। तो यार ये दो पौधे रह गए थे, तो अभी हम देखते हैं इस साइड पे इनको लगाते हैं। आज शाम बड़ी देर हो गई है मुझे थोड़ी सी, कि एक काम में फंसा हुआ था, तो अभी यहाँ पे हम लगाते हैं ताकि ऊपर, क्योंकि इसके ना वायर हैं तो ऊपर, क्योंकि ये जामुन के पौधे हैं तो ये ऊपर अगर वायर लग गई तो फिर इनको काटना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको साइड पे यहाँ पे लगाते हैं ताकि इसको बाद में कोई इशू भी ना हो और ये आराम से यहाँ पे ग्रो हो जाए। एक यहाँ पे लगा देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं। ले आओ, उधर एक स्टिक पड़ी है वो भी ले आओ वहाँ पे। आज बड़ी गर्मी थी यार, अभी भी बड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि हवा रुकी हुई है यहाँ पे। ये देखो एक शॉपर का वो भी ले आओ, इसके ना बांधने के लिए। चलो बस रहने दो बस ठीक है।
यहाँ पे इनकी केयर करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ आती हैं मेरे ख्याल में। जब फसल ये हार्वेस्टिंग होती है इसकी तो तब यहाँ पे बकरियाँ आते हैं। ये हम दूसरा पौधा लगा रहे हैं और चारों पौधे कंप्लीट हो जाएंगे आज का टास्क जो है। यहाँ पे ये पौधा पड़ा हुआ है, तो अभी घर से बर्तन लेके आते हैं और इसके अंदर पानी डालते हैं, बाकी काम मुकम्मल हो गया। आज बड़ी देर हो गई यार, ये उठा लो। तो यार ये पानी हम उनको देने जा रहे हैं बाल्टियाँ भर के ना, क्योंकि ये घर के करीब हैं तो यहाँ पे इनको एक तो पानी भी मिलता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ से इधर से गुजर के जाते हैं। तो अभी इनको पानी दे देते हैं यहाँ पे। इसको भी पानी मिल गया और एक इस पौधे को भी दे देते हैं। एक बात जीजा, चलो भाई हैं बांध इसको। इनको इस वजह से बांध रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही नाजुक इनके तने हैं और ये नीचे गिर गए तो ये ख़राब हो जाने हैं। इस तरीके से इनको पानी मिलता रहेगा और ये ऊपर खड़े हो जाएंगे। जब इनका तना मोटा हो जाएगा तो फिर इनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी चलते हैं। Few moments later. ये था आज का व्लॉग और फिफ्थ डे चैलेंज कंप्लीट किया है क्योंकि हमने 14 डेज तक इस कैंपेन को लेके चलना है। और अगर आप भी पौधे लगा रहे हैं तो अपनी वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक के मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर सेंड करें, वो भी मैं आपकी वीडियो इस व्लॉग में ऐड करूंगा ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम मिलकर ये काम कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ कर रहे हैं। खुदारा ये पौधे ज़रूर लगाएं क्योंकि अगले 2-3 साल में जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर हमने प्लांट्स ना लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जिसमें प्लांटिंग की तरफ आया जाए और इस मौसम को जो हम इस गर्मियों में बेयर किया है 50 डिग्री तक अभी भी बेयर कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर तो इससे भी बढ़ जाएगा। तो खुदारा कुछ ना कुछ करें ताकि आप अपनी यंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसको बता सके कि हमने आपके लिए ये किया। जब वो आपसे सवाल करेंगे तो आपने हमारे लिए क्या किया है, तो आप ये चीज़ उनको दिखा सकें, आपके पास उसका जवाब हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग देख सकें कि हाँ यार ये हमने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कुछ नहीं होता 100-200 में कुछ नहीं होता। आप अगर डेली के 3-4 प्लांट लगा लेते हैं तो इट्स डजंट मीन कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।